हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ। दिस इज़ योर न्यू चैप्टर कंजंक्शंस, चैप्टर नंबर 14। तो कंजंक्शंस किसे कहते हैं देखना है, राइट? सो कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आस्क फरहा और शिल्पा टू हेल्प यू। यहाँ पे फरा और शिल्पा ये दो वर्ड्स हैं, ये दो नेम्स हैं, राइट? इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? और। सो दिस और इज़ दी कंजंक्शन। ये और क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली हिमेश वोर अ ब्लू टी शर्ट एंड अ रेड कैप। टी शर्ट और रेड कैप को कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड इज़ ऑल्सो ए कंजंक्शन विच इज़ ज्वाइनिंग टू फ्रेजेज। फ्रेजेज आर ए ब्लू शर्ट एंड ए रेड कैप। सो ए ब्लू शर्ट, ये राइट कैप, ये दोनों फ्रेजेस हैं जिनको एंड कनेक्ट कर रहा है। सो एंड इज़ द कंजंक्शन हेयर। वी स्टार्टेड आउट लेट येट वी रीच्ड इन गुड टाइम। येट इज़ द वर्ड विच इज़ कंजंक्शन बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस। सिमिलरली इन नेक्स्ट वर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़। हेयर व्हाट इज़ कनेक्टिंग मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो वॉट जो है वो कंजंक्शन है यहाँ पे। वाइल द बेबी स्लेप्ट मदर क्विकली फिनिश्ड ऑल हर वर्क। वाइल इज वॉट, वाइल इज द वर्ड विच इज कनेक्टिंग दी टू। डिस्पाइट इज कमिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बट नो मैटर, इट इज ए कंजंक्शन बिकॉज इट इज कनेक्टिंग दी टू क्लॉजेज। इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ केस, वेन एवर एनी कंजंक्शन कम्स इन द इनिशियल ऑफ द सेंटेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, दैन the clauses or phrases are separated by a comma here, like here, right? It is the comma which is used. So take it into your notice, comma वगैरह लगता है अगर आपका कोई भी conjunction starting में आता है तो। conjunctions can have three forms, तीन form के हो सकते हैं conjunctions। single word conjunctions हो सकते हैं, compound conjunctions हो सकते हैं और correlative conjunctions हो सकते हैं। तो सिंगल वर्ड कंजंक्शन, कंपाउंड वर्ड कंपाउंड कंजंक्शन में नंबर ऑफ वर्ड्स का डिफरेंस है, एंड वी आर हैविंग कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑल्सो, वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। सो सम सिंगल वर्ड कंजंक्शन आर बिकॉज, ऑल दो, ओनली, टिल, बिफोर, वेयर, वाइल, एज, आफ्टर। सो दीज आर द सिंगल वर्ड्स, यू नो। तो ये जब भी कंजंक्शन की तरह यूज़ होंगे, यानी ये जब भी कनेक्टर्स की तरह यूज़ होंगे, यानी दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे? सिंगल वर्ड कंजंक्शन बोलेंगे, राइट? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, इनको कनेक्ट करने के लिए अगर इनमें से कुछ यूज़ होता है सिंगल वर्ड्स में से, सो ऑल दीज आर सिंगल वर्ड कंजंक्शंस। सिमिलरली वी आर हैविंग कंपाउंड कंजंक्शंस लाइक नाउ दैट, सपोज दैट, प्रोवाइडेड दैट, इवन इफ, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर दैट। सो ऑल दीज आर कंपाउंड कंजंक्शंस बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन वन वर्ड। सो example, and now that you have understood your responsibility, you may take over as the head girl. So now that is coming in the initial of the sentence, in the starting of the sentence, that is why we are using a comma, right, to separate the two parts of the sentence, whole sentence, right? So to separate the two sentences or clauses or phrases, whatever. So even if it is also coming in initial, it is also coming in the starting, so that is why here also we are using a comma after day. You are able to see here, right? You are able to see here. So even if it takes all day, I shall wait. तो ये अलग part है और it takes all day ये अलग part है, तो इसको separate comma कर रहा है। Even if क्या रहा है? Starting में आ रहा है। तो जब भी कोई कंजंक्शन, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, अगर स्टार्टिंग में आएगा तो कॉमा लगेगा, राइट? कोरिलेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं? दीज आर यूज्ड इन पेयर्स टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो पेयर में यूज़ होते हैं, राइट? तो पेयर में यूज़ होते हैं और क्या करते हैं? दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। The parts joined by correlative conjunctions are usually similar in length and grammatical form. तो length में और grammatically similar होते हैं, same होते हैं। जैसे that, either, or, either, or, right? So that, either, or,
नाइदर ईदर बोलते हैं, नाइदर आइदर बोलते हैं। पहले हम पहले स्पेलिंग की जो प्रोनाउंसिएशन थी इसकी ई आई टी एच ई आर की, वो ईदर थी, अभी शायद चेंज होके आइदर हो गई, आई डोंट नो, बट आइदर इज़ इन द ट्रेंड, आई थिंक इट इज़ इन ट्रेंड, आइदर आइदर और नाइदर नॉर बोथ एंड स्कार्सली वैन सच दैट सो एज हार्डली वैन नॉट ओनली बट ऑल्सो नो सूनर दैन इफ दैन एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर इन पेयर्स, यू आर एबल टू सी आइदर और इज ए पेयर, सिमिलरली नाइदर नॉर इज अ पेयर, सिमिलरली बोथ एंड इज ए पेयर, तो सो ऑल दीज आर पेयर्स, सो दैट इज़ वाई दे आर कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर हैविंग अ क्राइटेरिया दैट दे आर दे मस्ट कम इन पेयर्स एंड द कनेक्टिंग पार्ट्स आर हैविंग सेम लेंथ एंड ग्रामेटिकल फॉर्म। लाइक यू हैविंग एग्जाम्पल हेयर, नाइदर जॉन नॉर गीता वॉज विलिंग टू ड्रॉप अस होम, नाइदर जॉन नॉर गीता, सो जॉन एंड गीता बोथ आर नाउन एंड नाइदर नॉर इज कनेक्टिंग दीज टू, राइट। प्रोफेसर अय्यर वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो विटी, इंटेलिजेंट एंड विटी बोथ आर द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेसर अय्यर, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव से भी समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव रिलेट करने वाले, कोरिलेट, राइट। सो रिलेटिव कोरिलेटिव में रिलेशन कंपैरिजन एक टाइप का होता है, राइट। सिंस द पार्ट्स जॉइंड बाय कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूजुअली इक्वल और पैरेलल, वी मस्ट प्लेस ईच ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शन जस्ट बिफोर द वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस टू बी कोरिलेटेड। सो सच वॉज हिज हरी दैट ही फॉरगॉट हिज बैक, सच इज अपेयरिंग इन द स्टार्टिंग एंड दैट इज अपेयरिंग द मिडिल एंड दीज टू आर द पेयर, दीज टू इज द पेयर, दीज टू कंस्टिट्यूट्स ए पेयर विच इज कनेक्टिंग वॉज हिज हरी एंड ही फॉरगॉट हिज बैक, सो दीज आर द टू पार्ट्स विच आर बींग कनेक्टेड बाई दिस पेयर, सो दिस इज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ, सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज हेयर, अंडरलाइन द कंजंक्शंस एंड राइट वॉट टाइप दे आर, लाइक वॉट वेदर दे आर सिंगल और दे आर कंपाउंड और दे आर कोरिलेटिव। तो हमें करना है अंडरलाइन, राइट, किसको, कंजंक्शन को, और बताना है कि किस टाइप का है। तो वी आर हैविंग फर्स्ट वन हेयर, ऑल दो वर्क इज ऑफन डिमांडिंग आई रियली इंजॉयड इट, of although is what, although is the conjunction, although is to be highlighted and type is, it is single, right, it is single, so we have to write down the type along with the underline, so like this we have to do all the parts of this exercise and excuse me for today because you must be able to highlight the change in my voice, I am having throat problems, I am having throat pain and it is quite difficult to speak a lot for me due to my some throat problem and pain, it's quite difficult to take a long class today, so that is why I'm just rushing up and today's session is quite short, I think it's understandable. We'll discuss in further in next class, so this is the only exercise you have to do in for today and it is very easy, I think, so that's it. We'll start further in next class, we'll start with coordinators, right, we'll start with coordinators, so thank you very much.